हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन आवर चैनल बीदिके स्टडी। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीदिके स्टडी में। आज यह फोकपड़ो का ट्यूटोरियल नंबर 25 यानी कि 25 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 500 तक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट कराएंगे। ओके, इससे पहले आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा होगा तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या उनका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग 1 से 500 तक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट कराएंगे अपने फॉक्स प्रो में। ओके, और आप इसी तरह का और ढेर सारी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम पाना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट पर चले जाइएगा और वहां ढेर सारे आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने फॉक्स प्रो में बनाते हैं 1 से लेकर 500 तक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को प्रिंट कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए मॉडिफाई कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉडिफाई कमांड और अपने प्रोग्राम का नाम। जैसे लिखे तो देखिए, मैं आपके लिए आगे से ही प्रोग्राम बनाकर रखा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर करेंगे और हम लोग को आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर 1 से लेकर 500 तक प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे for i = 1 to 500, यानी कि 1 से लेकर 500 तक i का वैल्यू रहेगा। ओके, मैंने लूप चलेगा 1 से लेकर 500 तक। ओके, फोर लूप। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a = i, यानी कि जिस तरह से फोर लूप आगे बढ़ते रहेगा उसी तरह से ए का वैल्यू भी आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख दे हैं a = i। ओके, और फिर हम लोग नीचे आकर लिखे s = 0, यानी कि s का वैल्यू लिए, एक वैल्यू लिए और उसमें 0 डाल दिए। ओके, क्योंकि s को हम लोग प्रिंट कराने वाले हैं। ओके, s की मदद से फिर हम लोग यहाँ पे do while का एक और लूप चलाए और यहाँ पे लिखे कि a not = 0। ओके, जो मैं आपको कल आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने के लिए बताया था, इसके बाद सब कुछ सेम है, खाली हम लोग for i = 1 to 500 कर दिए हैं, क्योंकि हम लोग को 500 तक प्रिंट कराना और सब कुछ हम लोग देखिए यहाँ पे सेम रखे हैं। ओके, और नीचे आकर हम लोग प्रिंट i करा दिए। ओके, नेक्स्ट i इन दिप इन फोर। ओके, इसी तरह से हम लोग आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को 1 से लेकर 500 तक प्रिंट कराएंगे। आप बड़े ध्यान से देख लीजिए इस प्रोग्राम को। ओके, अगर आपको यह प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो में मैंने आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर के प्रोग्राम को पूरा समझा कर बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, और आपको इसी तरह का ढेर सारा प्रोग्राम चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ढेर सारे प्रोग्राम को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं इसको रन करवाता हूँ। सबसे पहले इसको सेव कराते हैं, सेव कराने के बाद हम लोग इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के लिए 2 कमांड का यूज करते हैं और यहाँ पे इंटर मारेंगे। ओके, तो देखिए हमको 1 से लेकर 500 के बीच में जितने भी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं सबको प्रिंट करा के दे दिया। 1 से लेकर 500 के बीच में हम लोग को केवल 5 आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो देखिए मैं सब कुछ प्रिंट करके दे दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।